पर आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं हम कांस्टेबल आवेदकों के लिए कितनी सीटें हैं, कितनी एज रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरा हम इसे इसके माध्यम से बताएंगे आपको, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो एज रखी है दोस्तों वो 10वीं पास रखी गई है, और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर कांस्टेबल आवेदकों के लिए SC ST इनके लिए जो निम्न तिथि के द्वारा जन्म नहीं होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, 1/1/2002 के बाद में, इसके अलावा SC ST में 2002/1/2, इसके अलावा यहाँ पर सबका 2002 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब उससे पहले का जन्म होना चाहिए, और निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए, जैसे 2/1/1997 पुरुषों के लिए, 2/1/1992 SC ST के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर कर्मचारियों के लिए 94, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 78 यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके अलावा कांस्टेबल चालकों के लिए भी दिया गया है यहाँ पर पुरुषों के, यहाँ पर सब में 2002 से पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर SC ST OBC के लिए 94 के निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पर SC ST के लिए निवासी है, और राज्य सरकार के लिए यहाँ पर 2/1/1991 है, और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 2/1/1991, इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप, और महिलाओं के लिए भी दे रखा है। और उसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी वो 75 अंकों की होगी, और जैसे कि हम बता चुके हैं आपको 4 प्रकार के पेपर होंगे, जिसमें नया पार्ट जोड़ा गया है, वो नया पार्ट है महिला और बच्चों के क्राइम से लेकर के हैं, बाकी पूरा सिलेबस पिछले वाला ही है, बस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या इंक्रीज कर दी है, मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा आप देख लो आप, कांस्टेबल चालकों की लिखित परीक्षा होगी 75 नंबर की, कांस्टेबल चालकों के लिए भी 75 की होगी, जो शारीरिक दक्षता होगी वो नॉर्मल कांस्टेबलों के लिए 15 नंबर की होगी, कांस्टेबल चालक के लिए 10 नंबर होगी, जबकि दक्षता परीक्षा मतलब कांस्टेबलों के लिए नहीं करनी है, कांस्टेबल चालक के लिए 15 नंबर की है, और विशेष योग्यजन NC होमगार्ड एवं पुलिस के संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाला अंक 10 नंबर है, ये कांस्टेबल के लिए, जबकि कांस्टेबल चालक के लिए ये नहीं है भाई, अंकों का आप यहाँ पर 100-100 नंबर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे, समय अवधि 2 घंटे की होगी, तथा प्रत्येक प्रश्न का आधा अंक होगा, गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाएगा, यह परीक्षा ऑफलाइन तथा OMR आधारित होगी, जहाँ दोस्तों ऑफलाइन होगी और OMR के ऊपर आधारित होगी, प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम अंकों का विवरण प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, या आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर कितनी सीटें, ये भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जिला, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इतनी सीटें जिलों में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य वर्ग है यहाँ पर उदयपुर में, या पूरा देख सकते हैं क्योंकि इतना तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं खुद नोटिफिकेशन देख करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर चतुर बटालियन RAC इनमें पूरी सीटें दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कांस्टेबल जुड़ी से पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, उसके अलावा कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हर अपडेट, हर वैकेंसी की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।